Hey guys, welcome to my channel. I am Anvita Chaudhary. So we are doing vocabulary. Let's start with that. Our first word is ambivalent. Ambivalent का मतलब होता है किसी चीज के लिए कोई श्योर नहीं होना, डाउटफुल होना, मिक्सड फीलिंग्स होना, उसको बोलते हैं हम ambivalent. Forsake. Forsake का मतलब होता है त्यागना, abandon, छोड़ देना, लीव. इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें, abandon, desert, leave, quit, depart from. She forsook her child. उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया. गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन, उसे संपालन के लिए छोड़ दिया. फोर्सुक हर चाइल्ड, अपने बच्चे को छोड़ दिया. इम्प्यूटेंट, इम्प्यूटेंट का मतलब होता है अभद्र, किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं देना, किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देना, बेइज्जत करना, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेंट. ही कुड हैव स्ट्रैंगल्ड दिस इम्प्यूटेंट अपस्टार्ट, उसने इस बेशर्म नौसिखिया को गले तक संकोच नहीं किया होता. इंसोलेंट, चीकी, ऑडेशियस. Inept, inept का मतलब होता है guys अकुशल, जिसके पास कोई skills नहीं होती, clumsy जिसे हम बोलते हैं, incompetent, unskillful. My attempts at baking were inept, but I fumbled on. मेरी पकान की कोशिशें अकुशल थी, लेकिन मैं जारी रखता रहा. Novice, novice हम जो कोई बहुत ही beginner होता है, किसी चीज को जो learn करने की starting में होता है, inexperienced person होता है, अनुभवी इंसान को हम बोलते हैं novice. He was complete novice in foreign affairs. वह विदेशी मामलों में पूरी तरह से अनुभवीन था. Salient, salient का मतलब होता है guys महत्वपूर्ण, जो noticeable चीजें होती हैं, जो main चीजें होती हैं, major चीजें होती हैं, primary, जो notable चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं salient. The salient point stuck out clearly in her mind. महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में थे. अम्ब्रेज, अम्ब्रेज का मतलब होता है खींचतान करना, चिड़चिड़ा, ऑफेंस, किसी बात को बुरा मान जाना, उसको बोलते हैं अम्ब्रेज. शी टुक अम्ब्रेज एट हिज रिमार्क्स, उसकी टिप्पणियों पर उसने खींचतान दिखाई. सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी का मतलब होता है जो चीजें हमें अचानक से मिल जाए और जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमें खुशी देने वाली चीजें हो और वो अचानक से मिल जाए, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, आकस्मिक सौभाग्य. टेक्निकल इनोवेशन में भी रिजल्ट ऑफ प्योर सेरेंडिपिटी, प्रावधानिक नवोन्मेष केवल आकस्मिक सौभाग्य का परिणाम हो सकता है. इनोवेशन का मतलब हमने यहाँ क्या सीखा, नवोन्मेष. क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है आकर्षण, जो अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, प्यारा सा हो, उसको बोलते हैं नवेस. नैरो स्ट्रीट्स लेड टू क्वेंट ब्रिज ओवर द रिवर, जो संकीर्ण सड़कें नदी पर एक आकर्षण पुल तक जाती हैं. ट्रैक्यूलेंट, ट्रैक्यूलेंट का मतलब होता है झगड़ालू, जो जल्दी से लड़ाई करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहता है, झगड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है. बेलिजरेंट, pugnacious, bellicious, aggressive, defiant. The truculent attitude of farmers to cheaper, truculent attitude of farmers to cheaper imports. सस्ते आयात के प्रति किसानों का झगड़ालू रवैया. Intractable, intractable का मतलब होता है अनुप्रबंधीय, जिसको हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए, किसी चीज को जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमारे कंट्रोल में ना आए, अनकंट्रोलेबल. देयर प्रॉब्लम्स हैव बिकम मोर एक्यूट एंड इंट्रैक्टेबल, उनकी समस्याएं अधिक गंभीर और अनुप्रबंधी हो गई हैं, वो समस्याएं अब कंट्रोल में नहीं आएंगे. डेलिनेट का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना, सेट आउट करना, आउटलाइन करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से बताना. द लॉ शुड डेलिनेट एंड प्रोहिबिट बिहेवियर विच इज सोशली अबहोरेंट, कानून सामाजिक तत्वों द्वारा घृणित व्यवहार का वर्णन करेगा और उसे प्रबंधित करेगा. एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, जो धार्मिक कारणों से भौतिक सुखों का विमुख जिसने पा लिया हो, जो सेल्फ डिनाइंग हो. एन एसेटिक लाइफ ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड मैनुअल लेबर, तपस्वी जीवन प्रार्थना, उपवास और हस्तशिल्प का जीवन है. डॉन्ट, डॉन्ट का मतलब होता है किसी को डराना. अबैश, टेक अबैक, शेक. रफेल, सम पीपल आर डॉन्टेड बाय टेक्नोलॉजी, कुछ लोग प्रौद्योगिकी से घबराते हैं, डरते हैं, उनको बोलते हैं डॉन्ट. बर्जियन, बर्जियन का मतलब होता है बढ़ाना. बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली एंड फ्लोरिश, कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हो, फ्लरिश कर रही हो, एक्सपेंड हो रही हो, उसको हम बोलते हैं बर्जियन. द टूरिज्म हैज बर्जियन ओवर द लास्ट
10 ईयर्स पर्यटन पिछले 10 सालों में विकसित हो गया है। आइडिलिक का मतलब होता है सुखदाय, एक्सट्रीमली हैप्पी, कोई बहुत ही खुश हो, पीसफुल हो, शांति प्रिय हो, उसको बोलते हैं आइडिलिक। एन अट्रैक्टिव होटल इन आइडिलिक सेटिंग, एक आकर्षक होटल सुखदाय परिवेश में। फ्रीएबल का मतलब होता है भंडारशील, कोई चीज बहुत ज्यादा पाउडरी सी हो, डस्टी सी हो, जो उसको बोलते हैं फ्रीएबल। द सॉयल वॉज फ्रीएबल बिटवीन हर फिंगर्स, मिट्टी उसकी उंगलियों के बीच भंडारणशील थी, इसको हिंदी का मीनिंग होता है भंडारणशील। एनोमलस, एनोमलस का मतलब होता है विषम, मतलब जो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ के हो, जो नॉर्मल नहीं होती किसी कोई चीज, उसको बोलते हैं इरेगुलर, कोई चीज होती है एटिपिकल चीज, नॉन टाइपिकल, टिपिकल चीज, एबनॉर्मल चीज। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, वेपन्स टेस्टिंग मे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनोमलस वेदर कंडीशन। अनुचित मौसमी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है क्या? परमाणु हथियार। प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो बहुत जल्दी चेंज होता है, उसको हम एक और वर्ड बोल देंगे कैलिडियोस्कोपिक। गाइज ये आपको याद करना है, द वर्ड कैलिडियोस्कोपिक, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दिस वर्ड, ठीक है? कि सो इसका मतलब होता है डाइवर्स एंड प्रोटीन नेचर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक और विकारों की विविधि और परिवर्तनशील प्रकृति। प्रवर्तनशील, प्रोटीन, प्रवर्तनशील, कैलिडियोस्कोपिक, चेंजेबल, ओके। नेक्स्ट इज रेकंडाइट, रेकंडाइट का मतलब होता है गुड, छुपा हुआ किसी चीज, जो कठिन होता है, लिटिल नॉन, जो ज्यादा पता नहीं होता किसी चीज का, उसको बोलते हैं रेकंडाइट। द बुक इज फुल ऑफ रेकंडाइट इंफॉर्मेशन, बुक गुड जानकारी से भरी हुई है, छुपी हुई जानकारी से भरी हुई है। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब होता है फुसलाना, किसी को मनाना, और मनाना भी कैसे, फ्लैटरी करके। द वर्ड फ्लैटरी, सी हियर द वर्ड फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की, किसी को बहलाना, उसको बोलते हैं फुसलाना, इनविजिबल। कैजुअल, वीडल, कॉक्स, पर्सुएड, कन्विंस, टॉक, ठीक है। He was attempting to invisible them into doing his will. उसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें फुसलाने की कोशिश की थी। Next is sodden. Sodden का मतलब होता है भीगा हुआ, कोई चीज भीगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं sodden. कपड़े, कपड़े हम जैसे पानी में भिगो देते हैं, तो उनको बोलते हैं sodden clothes. The clothes were sodden. उसके कपड़े भीगे हुए थे, soaked. वेट थ्रू, उसको बोलते हैं सोडन। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस का मतलब होता है उमंगी, जो उद्यमी लोग होते हैं, किंतु वो प्रशासनिक प्रशंसित लोग होते हैं, हैप्पी लोग होते हैं, स्पिरिटेड लोग होते हैं, जो बहुत काफी एक्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं बॉयस्ट्रस। एक्टिव लोगों को, जिनमें एनर्जेटिक हो, नॉइजी लोगों, चीयरफुल लोगों को हम बोलते हैं बॉयस्ट्रस। द ग्रुप ऑफ बॉयस्ट्रस लेड, एक समूह उमंगी लड़कों का समूह, ठीक है। पेरिफिडस, पेरिफिडस मतलब होता है डिसीटफुल, अनट्रस्टवर्दी। परफीडियस, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग सेइंग, इट्स परफीडियस। परफीडियस का मतलब होता है कपटी, कपटी, डिसीटफुल, जो लोगों को झूठ बोलते हो, डिसलॉयल हो, जो फेथफुल नहीं होते, उनको बोलते हैं परफीडियस। इट इज हाईली रिस्क टू हायर ए परफीडियस लेबर, एक दगाबाज मजदूर को नियुक्त करना अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। परफीडियस इज कपटी। कंड्रम, कंड्रम का मतलब होता है संकटग्रस्त स्थिति, जो डिफिकल्ट चीजें हो, डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, वेक्स्ड, डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसको बोलते हैं कंड्रम। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंड्रम्स ऑफ द एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के लिए सबसे कठिन पहेलियों में से एक। डिनरमेंट का मतलब होता है समाप्ति, किसी चीज का फाइनल सीन, कोई एक्ट हो रहा है, उसका जो फाइनल सीन चल रहा है, उसको बोलते हैं डिनरमेंट, समाप्ति। द फिल्म डिनोनमेंट वॉज अनसेटिस्फाइंग एंड एम्बिग्यूस, फिल्म का संपेक्ष मुद्रण असंतुष्ट प्रद और अस्पष्ट था। स्टोलिड, स्टोलिड का मतलब होता है अभावशील, मतलब काम, कंपोज, जो इमोशंस जिनके ज्यादा, अनइमोशनल जिसको भी हम बोल सकते हैं, उनको हम बोलेंगे स्टोलिड, अभावशील। स्टोलिड स्लो स्पीकिंग मैन, एक स्थिर धीमे बोलने वाला आदमी।
डिसेम्बल मतलब जो झूठ बोलते हो, आपको डिसीव करते हो झूठ बोल के, उनको बोलते हैं डिसेम्बल, मिथ्या बोलना। एन ऑनेस्ट सिंसियर पर्सन विथ नो नीड टू डिसेम्बल, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति जिसे छल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको हम बोल देंगे छल करना, डिसेम्बल कर छल करना। डिलेट्री, डायलेट्री का मतलब होता है स्लो टू एक्ट, अनहरेड, जो धीरे धीरे काम करते हो, अनपंक्चुअल हो, जो कभी भी किसी भी जगह टाइम पे नहीं पहुंचते हो, उनको हम बोलते हैं डायलेट्री। लैक्स, स्लैक, दे वर डायलेट्री इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन, वे संशोधकों को जानकारी प्रदान करने में धीमे थे। गार्नर, गार्नर का मतलब होता है संग्रह करना, किसी चीज को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे कि आप लगा लो, पुलिस, पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं जगह जगह जाके, उसको बोलते हैं गार्नर। संग्रह करना, एक्यूमुलेट करना, अमैस करना, असेंबल करना। द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशियंट एविडेंस, पुलिस को पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में काफी समस्या आई। थैंक यू सो मच गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। होप टू यू